Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बॉलीवुड एक्टर सलमान खान हाल ही में अपनी एक वीडियो को लेकर चर्चाओं में हैं। दरअसल गोवा एयरपोर्ट पर सलमान खान के साथ सेल्फी लेने के लिए एक फैन ने उनके आगे आगे चलना शुरू कर दिया, लेकिन तभी भाईजान ने उस फैंस का मोबाइल छीन लिया और वहां से आगे बढ़ गए। सलमान खान का ऐसा व्यवहार देखकर हर कोई हैरान रह गया। वहीं अब नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ने गोवा के सीएम प्रमोद सावंत से सलमान खान की गोवा में एंट्री बैन करने की मांग रख दी है, जब तक सलमान खान सार्वजनिक तौर पर ये माफी नहीं मांगते हैं। वहीं गोवा के जनरल सेक्रेटरी और पूर्व सांसद नरेंद्र सरवाईकर ने भी सलमान खान के इस व्यवहार को बेहद ही बेकार बताया है और साथ ही उन्होंने सलमान खान से माफी की मांग कर दी है। एनएसयूआई गोवा के प्रेसिडेंट अहराज मुल्ला ने सलमान खान से माफी की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और कहा है, मैं उनकी अथॉरिटी से यह निवेदन करता हूं कि कृपया इस मामले को गंभीरता से देखें और एक्टर से माफी मांगने की बात करें, क्योंकि यह सार्वजनिक रूप से फैंस का अपमान है। इस तरह के खराब रिकॉर्ड वाले हिंसक एक्टर को गोवा में आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। फिल्मी अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।